आज हम साबूदाना कुरडई बनाएंगे। ये कुरडई हमने साबूदाना को बिना पकाए ही बनाई है। साबूदाना कुरडई बनाने के लिए हमने साबूदाना रात भर ज़्यादा पानी में भिगो कर रखा है और इसे दूसरे दिन मिक्सी में पीस लेना है। इसमें थोड़ा पानी मिलाए और थोड़ी गाढ़ी पेस्ट बनाए। पीसने के बाद हम इसमें सेंधा नमक मिलाएंगे। हमने कुरडई बनाने की मशीन ली है। ये कुरडई बनाने की छलनी है, इससे हम कुरडई बनाएंगे। अब हम इस मशीन में साबूदाना पेस्ट भर लेंगे और कुरडई बनाएंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें कुरडई बनानी है। इस तरह से हम सारे कुरडई बना लेंगे और इन्हें धूप में 2 दिन के लिए सुखा लेंगे। हमें इन कुरडई को दोनों साइड से अच्छी तरह से सुखाना है। सूखने के बाद हम इन्हें 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद कुरडई इस तरह से दिखेगी। आप कुरडई घी या तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये कुरडई हम आम रस के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अब तेल गरम हो गया है, हम इसमें कुरडई फ्राई कर लेंगे। कुरडई को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।